हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ कि 2 बज गए हैं ऑलरेडी और बहुत लेट हो चुका काम करते करते, और अभी हम जा रहे हैं टिया को छोड़ने और लेट्स सी आज का दिन कैसा होता है। एंड थैंक यू सो मच जितने लोग नए आए हैं, जितने लोग पुराने थे, उन सबको थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो गाइस, अभी टिया और उसके दोस्त को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है प्रिंसटन। यहाँ पे हम बहुत बार आते रहते हैं और हमारा जो पुराना घर है वो यहीं पर एकदम पास में ही है। और अभी इसको ड्रॉप करने के बाद मैं सोच रही हूँ, मुझे ना एक्चुअली जाना है यहाँ नेक्स्ट वीक उनके बच्चों वगैरह के लिए, थोड़ा सा शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं जिनको गिफ्ट देना है। तो देखती हूँ कि वो अभी करती हूँ या थोड़ी देर बात करती हूँ। ये जो रास्ते में इतना ट्रैफिक मैंने कभी इतना मिलता नहीं है जितना आज है। आप देखो, आगे भी इतना ट्रैफिक है और पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी ट्रैफिक है अभी। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और अभी मुझे याद आया कि मुझे ना यहाँ पे आके अपने बालों की अपॉइंटमेंट लेनी थी, हेयर कलर की, क्योंकि बाल हो रहे हैं वाइट और उम्र भी हो रही है यार, वाइट तो होंगे और कम उम्र वालों के भी वाइट हो जाते हैं। और मैं आई हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब भी करती हूँ पार्ट टाइम, और वहाँ पर हमारे स्पा भी है एक्चुअली, तो बस वहीं से अपॉइंटमेंट लेंगे। और एक रीज़न ये भी है कि मुझे वहाँ डिस्काउंट मिलता है और अच्छा स्पा है, और मतलब अच्छा सैलून है उनका। और बस जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, इसको लाइफ टाइम। Thank you. Yes, thank you. And that will go onto your house card. Thank you. Our all set. Thank you. Bye. Have a good one. You too. See you tomorrow. See you then. So finally, हमने ले लिया कल की अपॉइंटमेंट, हमें मिली है 10:15 की, तो कल आना है हेयर कलर के लिए। और अभी मैंने थोड़ा सा शैम्पू वगैरह भी ले लिए और एक ऑयल है जिन्होंने बताया है बालों के लिए अच्छा है, तो लेट्स ट्राई, क्योंकि मेरे बाल तो आपको पता है झाड़ू जैसे बाल हो चुके हैं। तो बस ये ले लिया, आप घर जाके कुछ खाते हैं, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, तो आपको सीधे मिलते हैं घर पर। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी हम पी रहे हैं शाम के 4:30 बजे की चाय, और मैंने रियलाइज़ किया मेरी पूरी लिपस्टिक फैल गई है अभी सोते सोते। तो एक तो मुझे ना लिपस्टिक लगाने से ज़्यादा खा जाती हूँ मैं उसको, अब देखो तो पता नहीं कितने लोग साथ होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मेरी लिपस्टिक ना फैले, और मेरी लिपस्टिक लगाती बाद में वो फैल फैल जाती है। तो बस चाय इंजॉय करती हूँ और उसके बाद हमें जाना है, रेडी होना है, नहाना है, और फिर क्योंकि पूजा में जाना है इसलिए दोबारा से नहाते हैं, रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर में जाने के लिए, यहाँ बन रही मैगी, सिर्फ चमचा हिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बना रहे हैं, सिर्फ चमचा हिलाने वाले को मैगी बनाने वाला नहीं बोलते। और मेरी दोस्त आ चुकी है बाहर, इसलिए मैं अब जा रही हूँ रेडी होके। और अगर वो टीवी पे आना चाहेंगे, मैंने उनको अगर देखना होगा यूट्यूब पे, तो उनको मैं ज़रूर कैमरे पे आपको दिखाऊंगी, बिना मर्जी के मैं किसी को फेस नहीं दिखाना चाहती, मतलब मैं नहीं, वो बाहर खड़ी हुई वेट कर रही हैं। तो हम जाते हैं गाड़ी में। हाँ जी, नमस्कार। तुम लोग को कैमरे में ले लिया मैंने। ओह माय गॉड, तुम अंडर द बिग बॉस हाउस के करके उसमें आ गई हो। हाय अशु, कैसे हो? हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने आपको मैसेज किया था। एक्चुअली इन साउथ इंडिया में बोलते हैं ये सब झुक के देना चाहिए, बिकॉज गेटिंग ओल्ड ना, सो कचरा दिखाऊं ना तो मत कर। हम दोनों का ऐसे कौन कचरा लगाता है, थोड़ा सा ऐसे करके पीछे ना, अच्छे लग रहे हैं पर ठीक है, अच्छा अच्छे हैं, बस खुद की नजरों में अच्छे हो ना, बट ठीक। बाकी क्या फर्क पड़ता है, अच्छे लग रहा है ये बोलो। अरे हंसो तो यार। तो अभी हम अपने दोस्त के घर से पूजा करके आ गए, और अभी यहाँ पे सीन ये बना है कि अभी हमको ये लेके जा रही है अपने घर पे चाय पिलाने के लिए। इसको नहीं पता कि मेरी निगरानी, तूने किसको बोल दिया कि हम यहाँ जा रहे हैं हमारे घर? मैं YouTube पे बोल रही हूँ, किसी और को नहीं, सबको पता कि मैं तेरे घर जा रही हूँ, तो इसके घर जा रहे हैं। कह रही चाय के साथ तुम्हें कुलचे और छोले भी मिलेंगे, तो इसलिए मैंने कहा घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि मेरे घर पे जाके काम ही होगा, इसलिए हम जा रहे हैं इसके गगन के घर चाय पीने।
तो अगर इसके घर जाके मिलते हैं, बाय गाइस, बाय बोलते पीछे से, बाय, लव यू, लव यू, बाय मत बोल, कोई सीरियस ना ले ले तुझको, लव यू बोल रही भाई, इतना सीरियस मत हो ना, इसकी शादी हो चुकी है, लव यू, हाँ सीरियस मत हो, इसकी शादी हो चुकी है, बच्चा भी है, बच्चा भी है, ठीक है, चलो सत श्री अकाल, मिलते हैं सीधे गगन के घर। और वो कहाँ चली गई मैडम? ये मेरी दोस्त मेरे लिए बना रही है छोले कुलचे, इसका घर है इतना खूबसूरत, मटर की चाय बनाई, मटर कुलचे, अब तू ये है, ये बना रही है मटर कुलचे, इसने देखो छोले, और ये भी है सरदारनी हमारी, और ये है हमारे डैडी का ठेका। मुझे इसके घर में जो क्यूट क्यूट चीजें हैं बहुत ही प्यारी हैं, कभी कभी जब दोबारा आएंगे तब आपको इसका घर दिखाएंगे, बट खूबसूरत और प्यारा बनाया हुआ है, दिखा ये, हाँ मैं दिखाती हूँ, ये बहुत क्यूट सेक्शन है, वी आर पंजाबी, आपा काम नहीं होंगे, हाँ वाओ सो क्यूट, अब पढ़ दो कितने सही मैसेजेस हैं, नजर लगाएगा, खाएगा छित्तर, खाएगा ओ छित्तर, एनु छित्तर बोलते हैं जूते नु, ओ ये छित्तर होते हैं, ओके ये सही है, ये मुझे बोल रही है तेरे लिए, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो यार, सो स्वीट, बहुत ही क्यूट। और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, छोले कुलचे हैं, चाय रख दी गई है, और अब छोले कुलचे खाते हैं। तो भाई ये बन गए मटर कुलचे और हम खा रहे हैं अभी, घर के बने मटर कुलचे, अब खा के बताते हैं कैसे, गैराज में देखता हूँ, अच्छा उस दिन ना हम खाना लेके, देखो किसके घर का खाना होता है, देखो कसम से, ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज गगन के हाथ के खाना लिखा था और हम खा रहे हैं। तो अभी हम आ गए अपने दोस्त के घर से छोले कुलचे चाय पी के, और अब अभी जा रहे हैं, और आज एक अच्छी बात ये भी है, पूजा भी हो गई, पर मेरी बेटी ने कल लाइसेंस लिया, ड्राइविंग शुरू कर दी, और आज उसका पहला दिन जॉब का था, तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर, जो मेरी बड़ी बेटी है 16 साल की हो गई, और लीगली 16 साल के बाद आप US में जॉब कर सकते हो, तो आज उसका पहला दिन है नौकरी का, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट लिया, तो उसका मुंह मीठा करना तो बनता है यार, एक माँ बाप के लिए ये होता है कि भाई अपना बच्चा जॉब करने लग जाए, नौकरी करने लग जाए, US में उसकी पहली जॉब है, तो आई थिंक ये लाइफ टाइम याद रहेगा हमें, तो जब उसको पिक करने जा रहे हैं, 4 घंटे की नौकरी थी उसकी, पार्ट टाइम जॉब कर रही है, तो बस अब इसको पिक करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और फिर घर जाएंगे, तो देखते हैं आज उसका पहला दिन कैसा। भाई इस गाड़ी को क्या हो गया, कलर बहुत ही ज़्यादा आंखों में चुभने वाला, तो चलो हम पहुँच गए, ये जगह है जहाँ टिया काम करती है, ताको बैल, आज उसका पहला दिन था, और देखते हैं अभी टिया कर क्या रही है, चलिए आई एम वेरी एक्साइटेड दो, ये रही टिया, ये रही टिया, कंग्रेचुलेशन टीलू, ओ हाउ वाज योर फर्स्ट डे, या शो मी योर, थोड़ा थकी हुई है, पहला दिन था और अभी आ रही है, यार मैं एकदम डाकू हसीना लग रही हूँ, बहुत थक गई है, अभी कुछ बात करने के उसमें नहीं है, पहला दिन है बच्चे का और 4 घंटे उसने निकाले हैं, आई नो इट्स नॉट ईजी, बट ठीक है यार, बच्चों को पैसे खर्च करने से ज़्यादा मुझे लगता है बच्चों को कमाने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि पैसे अर्न कैसे करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, एंड शी इज़ हियर, कांग्रेट्स टिया, यय, खाना भी मिला अपनी जॉब से थैंक यू, नीतू इज़ गोना एंजॉय। अभी आ गई हूँ घर और अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत थक गया, और इट वाज अ गुड डे टुडे, आज आपका दिन, मतलब मेरा दिन, आपका दिन नहीं सॉरी, मेरा दिन आज ऐसे ही अच्छा सा निकल गया, पूजा में गए, टिया की पहली जॉब थी, तो ओवरऑल इट वाज एक्साइटेड एंड अच्छा दिन था, यही बोलेंगे, थोड़ा लेट शुरू किया व्लॉग, बट एंडिंग अब करते हैं इस व्लॉग की, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर करने का मन हो तो करिएगा, कोई ज़बरदस्ती तो भाई नहीं है, बट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक होने से अच्छा लगता है, तो चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए मेरी ज़िंदगी मेरे साथ, लव यू ऑल, जय माता दी, सत श्री अकाल, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में, बाय।